हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 5 जो हमारा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, मैथ से हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन पे ये पूरी वीडियो बेस्ड रहेगी। कुछ इसके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो बेसिक की टर्म्स हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। सो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसे हम एपी बोलेंगे। पूरे चैप्टर में एपी टर्म है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के लिए, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। सो देखिए, अब एपी होता क्या है सबसे पहले तो वो देखिए। सॉरी, देखिए एपी नंबर की कोई ऐसी लाइन या फिर सीरीज, हम बोल सकते हैं सीरीज बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, जिसमें सीरीज में एक दो तीन चार कितने भी नंबर हों उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एपी लिखता हूँ 5, 10, 15, 20 and up to so on, ऐसे डॉट 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 मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि पता चल सके कि ये आगे भी इसी तरीके से है, ओके। तो यहाँ पे एक दो तीन चार, चार टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो इसे हम एक एपी बोल सकते हैं। अब कॉमन डिफरेंस इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो बाद वाले टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ठीक है। किन्हीं भी दो काम निकाल के देख लेंगे, अगर सेम आ रहा है तो वो एक एपी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 5 आ रहा है, 20 माइनस 15 करें तो भी 5 आ रहा है, मतलब ये एक एपी है। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इज इक्वल्स टू 5, तो डी 5 आ रहा है तो ये एक एपी है, बता दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे डी आया है 5, डी हमेशा ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आए, डी नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब पॉजिटिव के लिए देख लिया, हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एपी ले लेते हैं हम, जैसे 80, 70, 60, 50, 40, up to so on, डॉट 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 हम ऐसे दिखा देंगे यहाँ पे। अब देखिए कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करते ना। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड में सेकंड चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 60 माइनस 70 कितना है, -10, 40 माइनस 50 करेंगे तो भी -10, यहाँ पे डी हमारा कितना आया, -10, ये तो एपी है बिकॉज यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -10 है, 70 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यही आएगा, 60 माइनस 70, 50 माइनस 60, 40 माइनस 50, कुछ भी हम करते हैं आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, आ हमारे पास केवल -10 रहा है, मतलब ये जो टर्म यहाँ पे हमें सीरीज एक लाइन दी गई है ये एक एपी है, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे इससे पहले आप देखिए जीरो के लिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एपी होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है इनफाइनाइट एपी और एक होती है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट तो आप समझते होंगे इन्फिनिटी, जो दूर तक चलता जाए, कहीं दूर तक। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा रखा, मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे ख़त्म होती है, ये चलती जा रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे फाइनाइट बोलता, और जहाँ भी आपको फाइनाइट एपी मिलेगा उसका लास्ट टर्म आपको पता होगा और फुल स्टॉप लगा मिलेगा, ना कि डॉट डॉट डॉट। एक बार के लिए इस डॉट 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 को भूल जाइए, फुल स्टॉप है, इस पर फोकस कीजिए। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो मेरे पास केवल 4 टर्म्स है, लास्ट टर्म 20 है मुझे पता है, तो वो उसे बोलेंगे फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट, ठीक है। तो दो टाइप की एपी होती हैं। अब डी जीरो के लिए हमें एक एपी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हर एक टर्म सेम होगी उसमें, जैसे 6, 6, 6, 6,
चलता जाएगा चलता जाएगा, फुल स्टॉप लगा देता तो फाइनाइट हो जाता। कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक ए पी है, ये तो क्लियर है, बट डी कितना आ रहा है, ज़ीरो, तीनों में ज़ीरो आया है डी, तो ए पी है, तो यहाँ पे डी ज़ीरो हो सकता है, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हमें हो गई, ठीक है। तो डी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी कि भाई अगर हमें ए पी बनानी है तो कैसे बनाएंगे। अब जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, इस चीज़ से पहले आप देखिए कि ए पी में होता क्या क्या है। ए पी में होता है ए पी वाले, ये ए पी की बात नहीं कर रहा मैं, इस ए पी की बात कर रहा हूँ कि कोई सीरीज है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है, कोई भी ए पी है, इसकी ये टर्म हो गई, इसकी ये और इसकी ये, कोई भी ए पी है उसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डी, ठीक है। डी इनके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया, कॉमन डिफरेंस होता है। एल, एल होता है लास्ट टर्म, मतलब अगर फाइनाइट ए पी है तो हमें पता है कि इसकी लास्ट टर्म ये है, तो वो लास्ट टर्म हम एल से डिनोट करेंगे। ए एन, ए एन इसकी मतलब हम बोल सकते हैं nth टर्म, इसे बोल सकते हैं nth टर्म कि भाई इस नंबर पर ये टर्म आएगी, जो ए पी है उसमें एन नंबर पर क्या टर्म आएगी वो, ठीक है। एस एन जो जितने भी हमें मान लीजिए कोई भी है, चार नंबर्स दे दिए, चार टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो उसे एस एन से डिनोट करेंगे। ए पी में ये चीज़ें होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़। तो अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, ए पी को कैसे बनाए। ए है मेरे पास, डी है, तो ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे देखिए ए फाइव है, डी भी फाइव है, तो ए कितना है, फाइव, और ए प्लस डी मतलब फाइव प्लस फाइव टेन हो गया। अब फाइव प्लस टू इंटू फाइव फिफ्टीन हो गया। इसे आप प्रूव भी करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं आप अगर चाहें तो। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी आपको बता दिया, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ए का हो गया, डी का हो गया, एल हो गया लास्ट टर्म, ए एन, ए एन को निकालेंगे कैसे हम। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें ए दे दिया, डी दे दिया, उसके बाद एन दे दिया, एन तो आपको बताइया है, बता दिया कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए एन से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें ए डी एन और ए एन ये चार है, इनमें से कोई भी तीन चीज़ दे देगा और हमें एक चीज़ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। बेसिक बहुत से क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज में हमारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसीलिए बताया, समझाने का इसमें कुछ है नहीं, जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सॉरी फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एन नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट एन से मतलब है कि पहले से लेकर हमारी एक दो तीन चार में जिनके हमें सम फाइंड आउट करना है वो। देखिए अगर मुझे ये ए पी है इसमें चार सम एस एन, यहाँ पे दिखाया था ना एस एन, एस एन फाइंड आउट करना है मुझे, कितनी एन टर्म्स, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1, 200, 500 कुछ भी, ठीक है। तो इस ए पी में लेता हूँ मैं, चलिए एन की जगह चार, एक दो तीन चार, ये चार टर्म्स ले लेते हैं। एस एन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बाई टू इन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस टू को हटा देंगे अगर हम, तो यही फॉर्मूला हमारे पास ये है, इस टू से ये टू को कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे ही दिया जाता है, एक दो तीन चार, इन चार का सम फाइंड आउट करेंगे तो
एस फोर लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5, ए की वैल्यू है प्लस एन 4 है माइनस 1, और डी की वैल्यू फिर कितनी है यहाँ पे 5, तो 2 टू 4, ये 2 इंटू 5 टू 10 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 फाइव 15, और 2 मल्टीप्लाई 25, 25 टू होता है 50, आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं यही आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट और फाइनल टॉपिक है सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन। अगर मुझे पहली टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है, मतलब फाइनाइट एपी है, ठीक है, पहले और आखिरी टर्म पता है और मुझे सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एन, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, एन अपॉन टू होता है शायद, ठीक है, एन अपॉन टू। अब एन कितना है, देखिए ए हमारा है 5, एन अपॉन टू इंटू ए एल, सॉरी ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है एस एन। मैं यहाँ पे ये चार टर्म्स मान लेता हूँ, मेरी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट 20 है, तो मुझे एस 4 निकालना है, 4 टर्म्स है। अब एन की वैल्यू 4 है अपॉन टू, अंदर क्या बचा, ए है 5 प्लस एल कितना है 20, 4 से सॉरी 2 से 4 को कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 20 और 5 25, 25 टू जा 50, तो इनका सम कितना आ गया 50। मैंने इन चार टर्म्स का लिया था तब भी 50 आया था, और लास्ट टर्म के हिसाब से देखा तो भी 50 आया, मतलब मेरा आंसर सही है। तो ये इसके कुछ की टर्म्स थे, कंसेप्ट थी, आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो देखिए ये था चैप्टर 5 अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाहर से कुछ भी एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल्स में नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।